तो दोस्तों भाई लोग, आप लोगों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों अगर आप पोको C3, जी हाँ दोस्तों, अगर आप पोको C3 डिवाइस की यूज़र हो तो दोस्तों आज का वीडियो आप पोको C3 यूजर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कि दोस्तों यहाँ पर पोको C3 पे एक न्यू अपडेट आया है, तो कौन सा वर्जन है, क्या क्या न्यू फीचर्स मिलता है। और दोस्तों अगर ये अपडेट आपको नहीं मिला है आपके पोको C3 डिवाइस पे, तो आप कैसे ऑफिशियल ट्रिक को यूज़ करके अपडेट करोगे, फुल डिटेल्स एकदम इजी लैंग्वेज में आज समझाने वाले हैं। पर दोस्तों उससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पोको C3 की यूज़र हो तो दोस्तों फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दोस्तों ज़रूर ऑल प्रेस प्रेस कर देना। क्योंकि तो दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करोगे पोको C3 डिवाइस की रिगार्डिंग, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब के होम स्क्रीन में वीडियो देखने को मिल जाएगा एंड पोको C3 की इन्फॉर्मेशन आप ले पाओगे। तो दोस्तों एंड्रॉइड 11 अपडेट एंड MIUI 12.5 अपडेट वो भी बहुत जल्दी यहाँ पर पोको C3 में आने वाला है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर सबसे पहले हमारे चैनल पे पाना चाहते हो एंड उसकी डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके भाई का मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को भी जो है ज्वाइन कर लेना भाई। भाई यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों पोको C3 डिवाइस की रिगार्डिंग जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है हम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप पे वो अपलोड कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ दोस्तों यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोको C3 डिवाइस पे जो अपडेट आया है दोस्तों, इसका वर्जन आप लोग देख सकते हैं MIUI 12.0.11.0। यहाँ दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट है, कल ही यहाँ पर Xiaomi की तरफ से ये अपडेट रिलीज़ कर दिया गया था यहाँ पर पोको C3 डिवाइस पे दोस्तों, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। दोस्तों मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोला था ओल्ड अपडेट के दौरान, जब यहाँ पर MIUI 12.0.9.0 अपडेट मिला था तो मैंने बोला था भाई यहाँ पर हर एक महीने पे यहाँ पर पोको C3 डिवाइस को Xiaomi अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि दोस्तों एक काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर हर एक महीने पे एक न्यू अपडेट मिल रहा है यहाँ पर पोको C3 डिवाइस को, जो कि दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर पोको C3 डिवाइस को डेली अपडेट्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी साइज़ की अगर बात करें तो 119 MB, 119 MB इसका साइज़ है, जो कि काफ़ी छोटा साइज़ है। तो दोस्तों अगर आपको अपडेट मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको अपडेट मिला है, अगर नहीं भी मिलता है तो भी दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको अपडेट नहीं मिला है। दोस्तों वीडियो पर बन रही है, मैं वीडियो पर आगे जाकर बताऊंगा आपको कैसे ऑफिशियली अपडेट करना है अगर आपको अपडेट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट अगर मिला है तो भी मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं भी मिलता है तो भी कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों फटाफट से यहाँ पर मैं जो चेंजेस आए हैं उसके रिगार्डिंग बात यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन पे जो आया है, अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू April 2021। दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट आप लोगों को अप्रैल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है भाई। पर दोस्तों यहाँ पर अगर मे का जो अभी मंथ चल रहा है, अगर मे का अगर सिक्योरिटी पैच देता तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों बढ़िया होता। पर दोस्तों यहाँ पर अप्रैल का सिक्योरिटी पैच मिला है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया बात है। पर अगर मे का देता तो यहाँ पर पोको C3 यूजर्स और भी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर हैप्पी होते। और दोस्तों उसके साथ जो न्यू फीचर आया है वो है इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा Xiaomi का हर एक डिवाइस में ये तो लिखा ही होता है कि इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो ये अपडेट में ये भी आया है एक न्यू फीचर पोको C3 में इस अपडेट के दौरान। तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट अगर आपको मिला है तो अपडेट ज़रूर कर लेना भाई, यहाँ पर 119 MB का अपडेट है। तो इस अपडेट के दौरान आपके डिवाइस में थोड़ा बहुत यहाँ पर बग्स को फिक्स कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अगर आपको आपके पोको C3 डिवाइस पर अपडेट नहीं मिला है तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं OTA लिंक एंड रिकवरी रोम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो दोस्तों एकदम ऑफिशियल लिंक से वो Xiaomi प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये ऑफिशियल लिंक्स है, तो दोस्तों आप लोग कुछ भी नहीं करने, आपके अपडेट सेक्शन में जाना है यहाँ पर MIUI 12 के लोगों पर, यहाँ पर 5 times यहाँ पर 10 times टैप करना है और आपका एक एडिशनल फीचर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपल से 3 dots पे जाना है, और 3 dots पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज, यहाँ दोस्तों एक न्यू ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को चूज अपडेट पैकेज, उस पर जाना है। और उसके बाद आपका जो OTA फाइल आप डाउनलोड करोगे जिसका साइज़ होगा दोस्तों 119 MB इसका साइज़ होगा। और दोस्तों अगर आप रिकवरी रोम के फाइल को डाउनलोड करते हो तो रिकवरी रोम का फाइल 1 से लेकर 2 GB के अंदर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको OTA लिंक को सिंपल से चूज़ करना है और सिंपल से आपको ओके कर देना है, आपका डिवाइस डिक्रिप्टिंग होगा एंड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा MIUI 12.0.9.0 से ऑटोमेटिकली MIUI 12.0.11.0 में आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों आपके डिवाइस में 40% से ऊपर चार्ज होना चाहिए एंड डेटा जो कनेक्शन है मोबाइल डेटा वो ऑन करके रख लेना आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये जो स्टेप्स है आप लोगों को फॉलो करना है, और उसके बाद आपका डिवाइस यहाँ पर रिबूट नाउ दिखाएगा और आप लोगों को रिबूट कर देना है एंड ऑटोमेटिकली आपका ऑफिशियली अपडेट हो जाएगा MIUI 12.0.11.0 में आपके
दोस्त यहाँ पर पोको सीते डिवाइस दोस्तों हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स को अपडेट देखने को नहीं मिला होगा, पर भाई मेरे एक दोस्त के पास है पोको सीते डिवाइस, उसका अपडेट देखने को मिल गया है, जो कि एक अच्छी बात है भाई। अगर आपको अपडेट मिला है तो कर लेना, अगर नहीं भी मिलता है तो यहाँ पर मैंने जो ट्रिक बताया वो टीएलिंक से सिंपल से आप मैनुअली अपडेट कर सकते हो। और दोस्तों इस अपडेट के दौरान आप लोग क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, और दोस्तों आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूँ, ज़्यादा कुछ आप लोगों को चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिला है इस अपडेट के दौरान आपके पोको सी थ्री डिवाइस में। दोस्तों फिर भी यहाँ पर अगर आप न्यू फुल रिव्यू का वीडियो चाहते हो पोको सी थ्री डिवाइस पे, ये जो MIUI 11.12.0.11.0 है, इस अपडेट के बाद क्या क्या न्यू फीचर्स आया है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, क्या क्या न्यू आया है, उसके रिगार्डिंग अगर एक डेडिकेटेड फुल रिव्यू का वीडियो चाहते हो तो भाई आप लोग कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को सिंपल से बता देना है। मैं अलग से कुछ दिन बाद एक न्यू वीडियो बना दूंगा आप लोगों को फुल रिव्यू का, जिसमें मैं A to Z गेमिंग परफॉर्मेंस, कैमरा परफॉर्मेंस सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या न्यू आया है इस पोको C3 डिवाइस पे दोस्तों। तो दोस्तों अगर अपडेट आप लोगों को मिला है तो ज़रूर से अपडेट कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे आपके पोको C3 डिवाइस को आप कैसे अपडेट कर पाओगे। अगर अपडेट मिल गया तो भाई बात बहुत ही बढ़िया बात है यार, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना सा ही आप लोग को छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था आज के वीडियो में। भाई आप लोगों को पता ही होगा मैं पोको C3 के डिवाइस पर जब भी अपडेट आता है उसकी रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। तो भाई यहाँ पर एंड्रॉइड 11 का अपडेट जब आएगा, MIUI 12.5 का अपडेट जब आएगा, उसकी रिगार्डिंग भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों हर एक महीने में जब भी पोको C3 पे यहाँ पर अपडेट मिल रहा है मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूँ, और दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा प्यार एंड सपोर्ट देखने को मिल रहा है उस वीडियोज़ पे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इस पे भी बहुत ही अच्छा खासा प्यार एंड सपोर्ट दिखाना, जो मेरा इससे पहले वाला अपडेट का वीडियो था MIUI 12.0.9.0 उस पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा प्यार दिखाया दोस्तों, लाइक किया, कमेंट्स किया, शेयर किया। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, यहाँ पर आपके किसी भी दोस्त के पास अगर पोको C3 डिवाइस है तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पर आपके दोस्त के पास ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप लोगों को बस इतना सा इन्फॉर्मेशन देना था आपके वीडियो में। तो यार यहाँ पर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को ज्वाइन कर लें यार आपका भाई का, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो भाई इस अपडेट का अगर फुल रिव्यू का वीडियो चाहता हूँ तो मैंने आप लोग ऑलरेडी बोल ही दिया, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर बताओ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल आज का वीडियो बस इतना है।